हेलो प्रेम सस्ते अंग्रे मौसरी और सीना मौसरी और बाटा मौसरी बने गए फिर सर जाएगा टोमेटो हरा मिर्च है और प्याज लिवर फ्राई होगा। देख लीजिए प्रेम मछली फ्राई हो रहा है, मछली फ्राई हो रहा है, देख लीजिए कितना अच्छा करके। देख लीजिए फ्रेंड्स मछली फ्राई हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये टेंगरा मछली, पाटिया मछली, सिंगा मछली फ्राई हो रहा है, आप लोगों को देखते रहिए। पूरी में भी सबसे तेल ले लिया, तेल गर्म हो रहा है, मछली हमारा फ्राई हो गया, देख लीजिए मछली हमारा फ्राई हो गया। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, तेल गर्म हो गया, जीरा छोड़ दिया तेल में, तेल में जीरा छोड़ दिया, जीरा जब पक जाएगा तो प्याज और हरा मिर्च फ्राई होगा। फिर प्याज दे दिया, हरा मिर्च दे दिए, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है क्योंकि लाइट भाग गया है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं पा रहा हो। हमारा इधर खड़ा खड़ा मसाला, क्योंकि हमारा मिक्सर मशीनों नहीं, अकेला खाना बनाता हो इसीलिए मिक्सर मशीन लिए। ये भी थोड़ा ग्रेवी कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा, तो ग्रेवी करने खातिर मिक्सर मशीन का ज़रूरत है। थोड़ा पूरी में हिसाब से नमक दे दिए, हल्दी भी दे दिए, पूरी में भी सबसे देख लीजिए हमारा प्याज का बादामी कलर आ गया। ये बार हम जो काट के रखा है जो टोमेटो, ये भी ये बार प्याज का इसमें डाल दिया है, हिलाते रहूँगा जब टमाटर गल जाएगा, उसके बाद मसाला देऊँगा। जो मसाला है हम एक साथ गुड़ा करके रहता है, जीरा, धनिया, काला मिर्चा और मतलब काला मरीच और साथ में गरम मसाला, इलायची, लवंग और दालचीनी मिला के एक साथ फ्राई करके मिक्सी दे के गुड़ा करके घर से लाया, जो बनाने खातिर सुविधा होगा। एक बार थोड़ा ढक्कन दे देता हूँ गोलने खातिर, ढक्कन दे दिया थोड़ा। एक बार हमारा टोमेटो गल गया, थोड़ा हिलाई देता हूँ, टमाटर गल गया, टमाटर जब गल गया थोड़ा मसाला जो हमारा काला मरीच और गरम मसाला, जीरा, धनिया
देके जो गुड़ा करके रखा, घर से गुड़ा करके लाया, मिक्सी करके ये भी दे दिया। मसाला जल नहीं जाएगा, उसी लिए थोड़ा पानी दे देता हूँ। और भी थोड़ा पका लेता हूँ। मछली का रसा बनेगा, टेंगरा पटिया और सिंगा मछली को रसा बनेगा। आप लोगों को इतना देखने के बाद अच्छा लगेगा तो घर पे बना के खाना है, देख लीजिए। और भी थोड़ा पका लेता हूँ, जब पक जाएगा थोड़ा सा फिर ढक्कन दे देता हूँ। देने के बाद फिर अगर रिटर्न आता हो दो चार मिनट बाद में, फिर 5 मिनट बाद में आ गया है, देख लीजिए ये पक गया। वड़ा मसाला पक गया हल्का छा, मछली में टेस्टी और ग्रेवी आने खाती हल्का छा चीनी दे देता हूँ, जब टेस्टी आएगा और ग्रेवी भी कलर अच्छा आएगा। हम कोई बाहर का मसाला यूज नहीं करता हो, सब घर का ही है। खड़ा जीरा दे दिया, प्याज, हरा मिर्चा, टोमेटो और जो घर से बना के लेके आया जी बाहर का मसाला, जो पैकेट वाला मसाला वो अच्छा नहीं होता है, उसी लिए खड़ा खड़ा खरीद किया बड़ा दुकान से। खरीद करके घर पे कड़ाई से भुजा है, जीरा भुजा है, इलायच भुजा है, लवंग भुजा है, दालचीनी भुजा है, काला मरीच जो गोल मरीच बोल जला वो भी भुजा है। भूज के मिक्सी करके गुड़ा करके हम पैकेट करके रख दिया, वो गुड़ा हमारा 2-3 महीने चले। फिर अबार बाज़ार से खरीद करके लाऊंगा वो खड़ा मसाला, क्योंकि आजकल ज़माना में जो पैकेट मसाला है उसमें थोड़ा गड़बड़ी लगता है, तबीयत भी ख़राब हो जाता है, किसी को सूट होला किसी को सूट नहीं होता है, तो हम घर का मसाला यूज़ करते हैं। देख लीजिए हमारा मसाला पक गया। एबार परिमाप हिसाब से हम पानी दूंगा मसाला मछली पकने खातिर, परिमाप हिसाब से। क्योंकि हमारा मछली में एक बनाने खातिर जितना रसा चाहिए उतना भी पानी देना जरूरी है, तो मछली मसाला देख लीजिए मसाला। फिर अब थोड़ा सा 2-4 मिनट बाद में आए, थोड़ा सा ढक्कन दे दिया। देख लीजिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ रहा है, आ गया। थोड़ा सा चीनी देने के बाद इतना कलर आ गया, क्योंकि टोमेटो और मसाला और प्याज जो पक गया तो अच्छा से कलर बन गया। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। एबार हम इसमें जो फ्राई वाला जो मछली है ये भी हम डाल दूंगा। थोड़ा लाइट का तकलीफ है क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं है, घर का अंदर में बन रहा है, तो लाइट हुई तो अच्छा लगेगा। तो ये हम टॉर्च लाइट दे के दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि मछली एबार हम छोड़ रहा हूँ रसा में, मछली छोड़ दिया। एबार मछली यार ये पकते रहेगा, ये भी थोड़ा ढक्कन लगा दूंगा, पकते रहेगा धीरे धीरे। देख लीजिए मछली छोड़ दिया, तो ओनली मछली रसा बन रहा है। फिर अगर हम ढक्कन दे दिया, फिर अगर 5-7 मिनट बाद में आप लोग उनको साथ भेंट होगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, फिर 5-7 मिनट बाद में
फिर देखता हूँ कौन सी गांव में आया। मछली पक गया और उतारने का पहले थोड़ा हम गरम मसाला दे दूँगे। सनराइज वाला गरम मसाला हम घर से लाया, इधर नहीं मिलता है। सनराइज वाला गरम मसाला हम दूँगे। गरम मसाला देने का क्या होता है, मछली का जो थोड़ा मुक्ता है, अच्छा सेंट आता है, खुशबू सेंट आता है, जो सेंट से बहुत अच्छा टेस्टी आता है, जो देखने भी अच्छा लगता है। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा कलर आ गया, मछली भी पक गया, रसा भी अच्छा बन गया। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है, फिर हम दूसरा वीडियो में आप लोगों के साथ हमको भेंट होगा। टाटा।